हेलो ऑल, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी हब फॉर टीचिंग। आज डे 6 है और आज हम यूनिट 2 स्टार्ट करने वाले हैं। पहले हम लोग सिलेबस पे चलते हैं। बीट फर्स्ट सेमेस्टर का हम पेपर 1 पढ़ रहे थे, जिसमें कि यूनिट 1 पूरा कंप्लीट हो चुका है। यूनिट 2 में हमने ये रिफ्लेक्शन ऑन वेरियस स्कूल ऑफ थॉट्स भी पढ़ लिए थे। आज हम पार्ट B पढ़ने वाले हैं, जिसमें कि एजुकेटर्स और फिलोसफर के बारे में है। बहुत सारे एजुकेटर्स और फिलोसफर हैं, जिसमें इंडियन और वेस्टर्न हैं, जिसमें शंकराचार्य, महात्मा गांधी, रुसेल, एनी बेसेंट, ये सारे लोग हैं। मेनली मैं 2 एजुकेटर्स के बारे में ही आप लोग को पढ़ाऊंगी, क्योंकि मैं मेन फोकस महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ के स्टूडेंट्स पे कर रही हूँ। और लास्ट 5 ईयर का मैंने पेपर देखा है, जो कि मैं आगे आप लोग को सॉल्व कराने वाली हूँ। उसमें लास्ट 5 ईयर में 2 ही पूछे गए हैं, या तो शंकराचार्य या तो महात्मा गांधी। एक के बाद एक रिपीट करके शंकराचार्य और महात्मा गांधी के बारे में ही पूछा गया है। तो ये दोनों ही मैं मेन फोकस करूँगी। और अगर आप लोग किसी और एजुकेटर्स फिलोसफर के बारे में जानना चाहते हैं, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं उनके ऊपर भी वीडियो डाल दूंगी। लेकिन फिलहाल मैं इन्हीं दोनों पे फोकस कर रही हूँ, एक शंकराचार्य और एक महात्मा गांधी। पार्ट A में मैं शंकराचार्य का डालूंगी, पार्ट 2 में मैं महात्मा गांधी का डालूंगी। आज का हमारा टॉपिक है शंकराचार्य पे, अद्वैत वेदांता के बारे में। स्टार्ट करते हैं। शंकराचार्य, इनकी पहले हम लाइफ के बारे में थोड़ा सा डिटेल जानते हैं। लाइफ स्केच से, श्री शंकराचार्य वाज द ग्रेट इंडियन फिलोसोफर एंड सोशल रिफॉर्मर हु लिव्ड इन 8th सेंचुरी। ही वाज द फर्स्ट फिलोसोफर हु कंसोलिडेट अद्वैत वेदांता, वन ऑफ सब स्कूल ऑफ वेदांता। जो शंकराचार्य थे वो ग्रेट इंडियन फिलोसोफर थे, सोशल रिफॉर्मर थे, जो कि 8th सेंचुरी में थे। ही वॉज द फर्स्ट, वो पहले फिलोसोफर थे जो अद्वैत वेदांता को लेके आए। इनका बर्थ, श्री शंकराचार्य बॉर्न इन अ विलेज ऑफ कैलेडी इन इरनाकुलम डिस्ट्रिक्ट ऑफ केरला। कैलेडी एक जगह है केरला में, यहाँ पे इनका जन्म हुआ था, जो कि पेरियार रिवर्स के पास है, किनारे है, ऑन द बैंक ऑफ फेमस रिवर पेरियार। इन द शॉर्ट लाइफ स्पेन ऑफ 32 ईयर, सिर्फ इनकी लाइफ जर्नी सिर्फ 32 ईयर्स की थी, ही बिकम्स द ग्रेटेस्ट टीचर्स ऑफ द वेदास। वेदास के बहुत महान शिक्षक ये बने, सिर्फ और सिर्फ 32 ईयर के एज में। इनका बचपन, चाइल्डहुड के बारे में पढ़ते हैं। ही लॉस्ट हिज फादर ही वेन ही वॉज क्वाइट यंग। ये जब बहुत छोटे थे तभी इनके पिताजी गुजर गए थे। एंड हिज मदर परफॉर्मेंस हिज उपनयन सेरेमनी विद द हेल्प ऑफ हर रिलेटिव्स। जो इनकी माँ थी, उनके रिलेटिव्स के हेल्प से इनका उपनयन सेरेमनी परफॉर्म करती हैं। उपनयन मीन्स जनेऊ टाइप से ब्राह्मण में एक सेरेमनी होती है, जो कि बहुत जरूरी होती है। मिरेकल्स आर रिपोर्टेड अबाउट द यंग शंकरा। यहाँ पे मैं आपको शंकराचार्य के बचपन में एक मिरेकल के बारे में बताती हूँ, जो कि मैंने लिखा नहीं है यहाँ पे, बट मैं आप लोग को बता दे रही हूँ ऐसे ही। आप लोग चाहो तो उन्हें अपने वर्ड्स पे इंग्लिश में या हिंदी में लिख सकते हो, आंसर राइटिंग भी पर्पज से। तो एक स्टोरी ये थी कि शंकराचार्य जो थे, वो बचपन में जब उपनयन संस्कार के बाद ऐसा कुछ रस्म होता है, भिक्षा मांगने जाते हैं, या फिर ब्राह्मणों में भी पहले ऐसा होता था कि भिक्षा मांग के ही वो लोग अपना जीवन यापन करते। तो एक बार का बात है कि वो किसी गांव में गए थे भिक्षा मांगने। तो वहाँ पे एक लेडी थी जो कि काफ़ी मतलब गरीब थी, लेकिन वहाँ पे उनके घर पे वो भिक्षा मांगने गए। लेकिन वो लेडी इतनी अच्छी थी कि वो, उसके पास खाने को पैसे नहीं थे, फिर भी मतलब खाने के लिए भी उनके पास अनाज नहीं था, लेकिन एक आंवला का फ्रूट जो होता है वो लास्ट उनके पास शायद बचा हुआ था, तो उन्होंने उसी को वो दे दिया शंकराचार्य को। तो शंकराचार्य समझ गए कि ये मतलब उनकी फीलिंग्स को समझ गए, सब कुछ समझ गया कि मतलब कितने दुख से गुजर रही है। इतने दुख होने के बावजूद भी ये लेडी इनको अपना लास्ट पीस जो आंवला फ्रूट का बचा था वो दे दिया।
तो उसी टाइम इन्होंने एक ऐसा मंत्र बोला था, कनक कद्धरा सत्यम, जो लक्ष्मी भगवान को ऐसा कुछ मंत्र, ऐसा कुछ श्रोत बोला था, जिससे क्या होता है कि गॉडेस ऑफ वेल्थ जो होती है लक्ष्मी माता, वो राइट एट हर डोर स्टेप उनके दरवाजे पे ही आके, और उन्होंने उस जो आंवला जो उन्होंने लेडी ने दिया था, गोल्डन आंवला का उनके घर के पास बारिश होने लगा, मतलब बहुत सारे गोल्डन आंवला गिरने लगे। तो ऐसा एक स्टोरी माना जाता है शंकराचार्य के बारे में। और एक बार और ऐसा हुआ था कुछ कि उनकी जो पेरियार रिवर थी वहाँ पे उनकी माँ, जो पेरियार नहीं पूर्णा रिवर था, वहाँ पे उनके घर से थोड़ा दूर था, तो वहाँ पे उनकी माँ को रोज अपने डेली लाइफ में जो भी रूटीन होता था फॉलो करने के लिए नदी से पानी जाता था लगता था, तो वो उतना दूर चल के जाती थी। तो वो उस नदी को, मतलब ऐसा पता नहीं क्या किए कि क्या हुआ, वो नदी उनका किनारा उनके घर के पास तक आ गया, जिससे उनकी माँ को बहुत ज्यादा हेल्प हो गया। तो ऐसे कुछ मिरेकल्स है जो शंकराचार्य के बारे में सुनने को आती है। संन्यास, आदि शंकराचार्य वॉज अट्रैक्टेड टुवर्ड्स संन्यास राइट फ्रॉम हिज चाइल्डहुड। अपने चाइल्डहुड के में ही उन्होंने संन्यास को ग्रहण कर लिया था। आफ्टर क्रोकोडाइल इंसिडेंट हर मदर अलाउ हिम टू रिनाउंस द वर्ल्ड, यहाँ पे लिखा हुआ है। ये भी एक स्टोरी है। एक बार ऐसा हुआ था कि वो नदी में नहाने गए थे, तो वहाँ पे क्रोकोडाइल ने उनका पैर पकड़ लिया था, तो उनकी माँ जो थी उनको हेल्प नहीं कर पा रही थी, तो वो ऐसे बोलते चला गई कि अब तो मुझे क्रोकोडाइल ही खा लेगा, या तो फिर अगर मैं बचता हूँ तो मुझे जाके संन्यास ग्रहण करने दो, मैं घर त्याग कर जाना चाहता हूँ। तो उनकी माँ के पास कोई ऑप्शन नहीं था, वो जल्दीबाजी में हाँ बोल देती है। तो फिर वो ऐसा कुछ मंत्र श्रोत जाप करते हैं, जिससे कि वो क्रोकोडाइल उनका पैर छोड़ के चला जाता है। ये भी एक स्टोरी है। तो इसके बाद से वो क्या करते हैं कि जो अपना घर है वो छोड़ देते हैं और नॉर्थ में गुरु के सर्च में, गुरु की तलाश में उधर जाते हैं। और यही है जो फोर पीठास के फाउंडर हैं, जो कि इंडिया के चारों कोनों में हैं। ही वॉज द फाउंडर ऑफ दशनामी मोनेस्टिक ऑर्डर एंड सन्माता ट्रेडिशन ऑफ वर्शिप। ये दोनों चीज को के फाउंडर भी शंकराचार्य ही है। डेथ, आदि शंकर इज बिलीव टू हैव डाइड एट एज 32 एट केदारनाथ। कुछ लोग कहते हैं कि ये केदारनाथ में इनका देहांत हुआ था, मरे थे, और कुछ लोग कहते हैं कि अल्टरनेट लोकेशन सच एज कांचीपुरम में इनका, कुछ किताबों में लिखा है कि कांचीपुरम में इनका डेथ हुआ था। शंकराचार्य लिटरेसी वर्क, आदि शंकर वर्क्स ऑन द फाउंडेशन ऑफ अद्वैत वेदांता। अद्वैत वेदांता इन्हीं का फाउंडेशन है, सर्च किया, मतलब ये यही इसके वो है, जनक है, स्कूल ऑफ हिंदुनिज्म। शंकराचार्य रोट कमेंट्रीज ऑन द 11 प्रिंसिपल ऑफ उपनिषद। जो 11 प्रिंसिपल उपनिषद है ना, केना, कथा, तृतीया, ये सब जो 11 उपनिषद है उन सारे की कमेंट्री इन्होंने लिखी है। भगवद गीता और ब्रह्म सूत्र की कमेंट्री भी लिखी है, और ये कुछ 6-7 कमेंट्री है जिस पे भी इन्होंने काम किया। आत्मबोधा, दश लोक की, उपदेशा शाक्री, विवेका चंदवानी, अपतावा रजसूची, अपूर्वा सनुभूति, प्रबुद्धा सुदुकरा। कितने बड़े बड़े वर्ड है ना ये। ये सारी चीजों पे भी इन्होंने काम किया है। और इनके कुछ रिलीजियस हाइमन थे, जिसमें दक्षिणा मूर्ति, श्रोता, आनंद लहरी और सौंदर्य लहरी, ये तीनों इनके हाइमन्स थे जिन्होंने इसे इन्होंने लिखा है। एस्टेब्लिशमेंट ऑफ पीठास, जो चार पीठास थे वो कहाँ थे? शरद पीठम है श्रीनगरी में, एक था कर्नाटका में, कलिका पीठम था द्वारिका गुजरात में, ज्योतिष पीठम था बद्री कृष्णम उत्तराखंड में, एंड गोवर्धन पीठम था जगन्नाथ पुरी में, उड़ीसा में। ये चार इनके पीठा थे। फिलोसफी ऑफ श्री शंकराचार्य अद्वैत। श्री शंकराचार्य ट्रैवल्ड अक्रॉस इंडिया एंड अदर पार्ट्स ऑफ साउथ एशिया टू प्रोपगेट हिज फिलोसफी थ्रू डिस्करेज एंड डिबेट विथ अदर थिंकर्स। वो अदर जो थिंकर्स होते थे उनसे अपना डिस्कशन करके, डिबेट करके, उनकी थ्रू फिलोसफी को अपने बहुत ज़्यादा प्रोपोगेट करते थे। अद्वैता मीन्स
दैट देयर इज ओनली वन सुप्रीम रियलिटी, अ रियलिटी कॉल्ड ब्राह्मण, द सुपर सुप्रीम बींग। यहाँ पे अद्विता में ये माना जाता है कि सुप्रीम रियलिटी है जो सिर्फ एक ही है, जो है ब्रह्म। ब्रह्म इज इनफाइनाइट एंड ओमनीप्रेजेंट, तो वो इनफाइनाइट है, उसका कोई अंत नहीं है और वो हर जगह व्यापक है, ओमनीप्रेजेंट हर जगह है। देयरफॉर नथिंग कैन बी एडेड टू इट एंड दे कैन नॉट बी प्लेस वेयर ही इज नॉट, ऐसा कोई जगह नहीं है जहाँ वो नहीं है। द वर्ल्ड इज अनरियल, जो भी वर्ल्ड है ये अनरियल है, मेन एक ही है जो कि सुप्रीम रियलिटी है, वो है ब्रह्म। आदि शंकर, अद्वैता वेदांता फिलोसफी के नॉट कैन बी समराइज टू जस्ट दिस वन वर्स। एक इनका स्लोगन है जो कि बहुत फेमस है, ब्राह्मण सत्यम जगन मिथ्या जियो ब्रह्मेव्या ना अपराचा। इसका मतलब है कि जो ब्राह्मण है एब्सोल्यूट, ये सिर्फ एक है। दिस वर्ल्ड इज अनरियल, ये जो वर्ल्ड है ये अनरियल है। एंड द जीवा और द इंडिविजुअल सोल इज नन डिफरेंट फ्रॉम ब्राह्मण, जो जीवा है मतलब ब्राह्मण ही सत्य है, जगन जो है वो मिथ्या है, झूठ है, और जो जीव है वो ब्रह्म का ही पार्ट है, वो ब्रह्म से अलग नहीं है। रियलिटी और ब्राह्मण, नथिंग रियली एग्जिस्ट बट द सुप्रीम स्पिरिट नोन एज ब्राह्मण, सत चित आनंद ब्रह्मण। यहाँ पे सत मीन्स क्या होता है, एग्जिस्टेंस है जो कि प्योर एंड एब्सोल्यूट है, चित मीन्स नॉलेज कंसियसनेस प्योर एंड ऑब्सोल्यूट है, और आनंद मीन्स ब्लिस प्योर ऑब्सोल्यूट। सत्य चित्त आनंद ब्रह्मन को ये लोग मानते थे, सत्य सच्चिदानंद भी इसे बोलते हैं, सच्चिदानंद जो बोलते हैं ना वो सच्चित आनंद से ही मिलके बना है, वही एक ब्रह्मन है जो कि सुप्रीम सब कुछ है, वही एक स्पिरिचुअल सुप्रीम है। सोल और आत्मन, द आत्मन इज द इंडिविजुअल ह्यूमन सोल क्लोथ उपाधिस और लिमिटिंग ऑब्जेक्ट्स एंड इज कॉल्ड जीवा। जो आत्मा क्या है, आत्मा जो जीव है वो एक सोल, ह्यूमन सोल है, जो कि उपाधि कपड़े की तरह, मतलब एक उसके ऊपर जो कपड़े की तरह है जो शरीर है, जो जीवा है वो उसका रूप है, मेन तो ब्रह्म ही है। स्टेट ऑफ एक्सपीरियंस, द वेकिंग स्टेट, यहाँ चार टाइप के स्टेट बताए गए, जो जागृत अवस्था है वो वेकिंग, जगे हुए में जो भी आप एक्सपीरियंसेस होते हैं वो होते हैं एक ड्रीम, जो आप ड्रीम में सोते हैं, तो स्वप्न अवस्था में जो भी आप एक्सपीरियंस लेते हैं वो होता है एक डीप स्लीप। एक तो ऐसा स्लीप होता है जिसमें आप ड्रीम देखते हो, और एक बहुत ही डीप स्लीप होता है जिसमें आपको कोई ड्रीम भी नहीं आते, सुसुप्ति अवस्था। और एक प्योर कॉन्शियसनेस है जो कि तुरिया, जिसमें आप पूरे होशो हवास में अपने रहते हैं। वेकिंग अप जस्ट जागना तो कुछ नहीं होता है, आप जाग रहे कुछ नहीं कर रहे हो, एक कॉन्शियसनेस जिसमें आप पूरे अपने प्योर एकदम उससे हो, कॉन्शियसनेस बहुत ज़्यादा जगे हुए हो, चीज़ों को बहुत ज़्यादा ऑब्जर्व कर रहे हो। ये चार स्टेट हैं जो जिसमें कि इंसान एक्सपीरियंस लेता है। द यूनिवर्स और जगत, ब्रह्मन एज अ सोल रियलिटी अपियर्स इन द ऑब्जेक्टिव यूनिवर्स एंड इट इल्यूजरी मैनिफेस्टेशन ऑफ ब्राह्मण। जो भी जगत है, जो भी यूनिवर्स है, एक ऑब्जेक्ट की तरह काम करता है, जिसमें कि एक सोल है जो रियलिटी है, जो ब्रह्मन है, वो सबके अंदर व्यापक है। माया एंड अविद्या, माया इज द कॉस्मिक इल्यूजन, माया जो है वो इल्यूजन है। इन पोटेंस पोटेंसी ऑफ ब्राह्मण, इट इज अ मीडियम फॉर द रिफ्लेक्शन ऑफ ब्राह्मण एज जीवास फॉर द प्रोजेक्शन ऑफ द वर्ल्ड। वर्ल्ड को प्रोजेक्ट करने के लिए एक मिथ्या, एक मोह माया, एक इल्यूजन का ये सारी चीज़ें होती हैं। माया इज ऑल्सो कॉल्ड अविद्या, अविद्या भी बोलते हैं माया को, इग्नोरेंस। वे टू मोक्ष, मोक्ष का वे बताते हैं शंकराचार्य। शंकरा प्रिस्क्राइब जगन जनन मार्गा फॉर सेल्फ रियलाइजेशन, सेल्फ रियलाइजेशन करके ही आप मोक्ष को प्राप्त कर सकते हैं। ओनली टू अ सिस्टमेटिक अप्रोच कैन दिस अचीव थ्रू श्रवण, फॉर्मल स्टडी, मनन, रिफ्लेक्शन,
निधि यासना मेडिटेशन दैट इज ट्रांसफॉर्म टू डायरेक्ट एक्सपीरियंस द मेडिटेट नॉलेज ऑफ अल्टीमेट रियलिटी एक्वायर्ड बाय द स्टडी ऑफ उपनिषद. मेन उपनिषद को पढ़ के ही जाना जाता है कि कैसे मेडिटेट कर सकते हैं, फॉर्मल स्टडी में कैसे पढ़ सकते हैं, उस सुप्रीम नॉलेज को कैसे जान सकते हैं. ये डायरेक्ट एक्सपीरियंस होता है और ये टीचिंग के थ्रू ये रिफ्लेक्ट होता है. मतलब यहाँ पे मोक्ष प्राप्त करने का एक ही तरीका है, सेल्फ मेडिटेशन करना, उपनिषद में सारी चीज़ों को पढ़ना, फॉर्मल स्टडी करना. ये सारी चीज़ें हैं जिससे आप सुप्रीम नॉलेज को अच्छी तरीके से जान सकते हो और मोक्ष प्राप्ति कर सकते हो. ये था शंकराचार्य पे वीडियो. आई होप यू लाइक दिस वीडियो. इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब. एंड अगर आप लोग को इसकी पीडीएफ चाहिए तो आप लोग मुझे कमेंट में कमेंट कर सकते हो. थैंक यू सो मच.